नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट कराने के नाम धोखाधड़ी करने वाले गिरोह में शामिल दो साइबर ठगों को भोपाल की साइबर क्राइम टीम ने शिवपुरी से और तीन साइबर ठगों को सूरत गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक साइबर ठगों ने शिवपुरी के करंट बैंक खाते में ठगी के 9 लाख रुपए डलवाए थे। आरोपियों ने शिवपुरी के करंट बैंक खाते से ठगी की राशि अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर नगद निकासी ठगों द्वारा शुरू की गई थी। तकनीकी जानकारी मिलते ही शिवपुरी से खाता धारक और बिचौलिए एजेंट को गिरफ्तार कर खाता बेचने के बाद खाते में करीबन 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। सूरत के बैंक खातों से ठगी होना पाई गई थी। ये जो ऐप है मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ऐप, इसके नाम से बनाई गई है और इस ऐप में जो है बाद में ये नई भी बना ली जाती है ऐप, जो लिंक के माध्यम से आती है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी लिंक उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां पुलिस इनको बंद करा देती है। तो ये डायरेक्ट लिंक के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में या जो और भी ग्रुप होते हैं जो सोशल मीडिया के टेलीग्राम ग्रुप, इनमें आती है। साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनको पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। वर्तमान में साइबर ठगों द्वारा नया जो ठग का तरीका निकाला है वो है शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट करना, जिस पर कई गुना प्रॉफिट का लालच देते हैं। इन लोगों ने ऐप बना रखी है, इस ऐप के माध्यम से फर्जी रूप से व्यक्ति को अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी दिखती है और व्यक्ति उसी भरोसे आश्वासन में लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट करता जाता है। और जब इसको शेयर बेचने की बात आती, इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने की, विड्रॉ करने की बात आती, तब वो नया कोई शर्त रख देते हैं, इस कारण व्यक्ति को कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह फरियादी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अलावा गुजरात के भी इसमें कनेक्शन सामने आए, जिसमें कई खातों में राशि ट्रांसफ़र हुई है। शिवपुरी के लोगों को 2 लोग हमने अरेस्ट किया है, 3 लोग गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं, 5 कुल आरोपी अभी तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसमें शिवपुरी खाताधारक हैं उसके जो ये इस फ्रॉड के बाद भी 80 लाख रुपए उसके खाते में विभिन्न माध्यमों से आए, इसका मतलब ये है कि कई खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे हैं। इन खातों में पैसे की दिए जाते हैं, फिर नगद इन खातों से पैसों की निकासी हो जाती है। तो इस तरह का फ्रॉड वर्तमान में काफ़ी प्रचलन में है, जिसमें इन लोगों को रिमांड पर ले जाकर कार्रवाई की गई है और बहुत सारे इनके कनेक्शन मोबाइल नंबर सामने आए हैं और खाते सामने, उनकी पड़ताल आगे की योजना में जारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।